प्रदूषण यानी पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या जो कुछ वक्त पहले तक सिर्फ दिल्ली NCR की समस्या मानी जाती थी। पराली जलाने को प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पॉल्यूशन दिल्ली से निकलकर उत्तर भारत के कई प्रदेशों पर पैर पसार रहा है और इन्हीं में से एक है बिहार, जहां प्रदूषण का हाल ऐसा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर यानी बेहद खराब स्थिति तक पहुंच चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए उत्तर भारत के कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स का डाटा शेयर किया, जिसके हिसाब से मोतिहारी, बेतिया और कटिहार की हालात काफी खराब है। शुक्रवार को बेगूसराय, दरभंगा, पूर्णिया समेत 5 शहरों में हवा बेहद खराब की कैटेगरी में रही। राजधानी पटना के सभी इलाकों में AQI 200 से ऊपर ही रहा। प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण केवल दिल्ली और पंजाब की समस्या नहीं बल्कि ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है। दो चीज़ों की ज़रूरत है। केंद्र सरकार अब पीछे नहीं रह सकती, केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है, बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना, तो ये समस्या तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, जिसके लिए केंद्र सरकार को सामने आके प्रदूषणों के कारणों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जहाँ प्रदूषण है वहाँ पे जो स्टेप्स दिल्ली सरकार उठा रही है, ये स्टेप्स पूरे देश में उठाने की ज़रूरत है। ज़रूर जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस होनी चाहिए, हम लोगों को भी गाइडेंस मिले एक्सपर्ट से, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। पर एक ही चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ रोज अखबारों के अंदर, केजरीवाल ने ये नहीं किया। अगर केजरीवाल को गालियाँ देने से अगर देश का प्रदूषण खत्म होता हो तो दे लो, प्रदूषण तो खत्म नहीं हो रहा ना केजरीवाल को गाली देने से, समाधान तो निकालना ही पड़ेगा ना, राजनीति से नहीं होगा, मिल बैठ के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कटिहार सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ AQI 402 दर्ज किया गया, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। इसके अलावा बेगूसराय में 305, दरभंगा में 312, मोतिहारी में 373, पूर्णिया में 321 और सिवान में 312 AQI रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने तो बहुत पहले ही जनता को समझाना शुरू कर दिया था कि पराली ना जलाएं। हम सब जगह लोगों को अलर्ट किए रहते हैं और आप सबको मालूम है कि कितना बार हम 18 से ही कितना लोगों को समझाए हैं, 18 से ही कितना समझाए हैं कि जलाइए मत। तो ये सब हम आज से कह रहे हैं लोगों को और पूरे तौर पर सब लोगों को हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार भी हमने कह दिया है कि पूरे तौर पर देख लीजिए, और जो दिल्ली का होता है वो तो बगल में जो होता है उसी के चलते असर ही पड़ता है, यही सबको समझना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। 18-19 से ही लगातार कह। उधर अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदूषण तो हर शहर में है, चिंता है, पोल्यूशन है हर जगह। जितना भी डेवलपिंग स्टेट है या डेवलपिंग कंट्रीज होता है वहाँ पोल्यूशन है होता है। पूरे देश भर में आप देख लीजिए पोल्यूशन तो है ही ना भाई, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कौन सा ऐसा राज्य नहीं है जहाँ हाईली पॉपुलेशन ये पोल्यूटेड ना हो। लेकिन इस दिशा में हम लोग खासतौर पे हम लोग जो है काम कर रहे हैं और काफ़ी जो है पटना जैसे साफ सफाई के मामले में हमारा रैंकिंग बहुत सुधरा है, आप देख लीजिए पटना के साफ सफाई को लेकर। तो ये सब ठीक है कहाँ नहीं, लेकिन उनको जो भी आप डेटा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं एक बार हम लोग देखेंगे। और बाकी आप देखिएगा कि जो पोल्यूशन का मामला है, आप इस मौसम में आप चले जाइएगा, स्मॉग इतना ज़्यादा होता है दिल्ली में, आँख लहर उठता है, तो ये सारा चीज़ें तो है ही ना भाई। एयर क्वालिटी लेवल चाहे दिल्ली हो, पटना हो, लगभग सिमिलर ही रहता है। AQI के नंबर शहर की वायु गुणवत्ता का असर निर्धारित करते हैं। AQI को उन वर्गों में बांटा गया है और उसी हिसाब से वायु गुणवत्ता पर क्या असर होगा ये तय किया जाता है।
बिहार में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर नई बहस छिड़ गई है। इसी बीच नवंबर की शुरुआत होते ही बिहार में मौसम भी तेजी से बदल रहा है। मौसम में आया बदलाव भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहा है। बीते दिनों बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में वायु प्रदूषण के स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने का ऐलान किया। इसी अभियान के तहत पटना में अप्रैल महीने से डीजल से चलने वाली गाड़ियों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसका प्रभाव भी राजधानी की हवा में देखने को मिला। कई जगह पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन बढ़ता प्रदूषण फिलहाल बिहार के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है।